सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाड़ा मेरे चैनल ते। आज दा साडा विषय है संखेप रचना किवें करिए। संखेप भाव संखेप तो ही सानू स्पष्ट हुंदा है कि संखेप दा अर्थ हुंदा है छोटा करना। कोई भी पैरा जो कि सानू पेपर दे विच आया होवे, असी उनू चंगी तरह पढ़ांगे। पढ़न तो बाद सानू की समझ आया, असी उनू अपने शब्दां दे विच लिखांगे। बिल्कुल उसे तरह जिवें असी कविता दा केंद्री भाव लिखदे आं। परंतु संखेप रचना करना एक हुनर है, एक कला है। भाषा ते पकड़ होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुसी बहुते शब्दां नू एक शब्द दे विच लिखना है। ठीक है, सो आओ बच्चो हुण आपां करदे हाँ संखेप रचना। संखेप रचना जिसनू के अंग्रेजी विच प्रेसी भी कहा जाता है, ये हुंदी की है किसे रचना जो कि बहुत वड्डी होवे नू पढ़ के समझ के उसनू अपने शब्दां विच एक तिहाई शब्दां दे रूप विच लिखना संखेप रचना हुंदा है। भाव के उहदे विच जिन्ने शब्द हन असी उहदा एक तिहाई हिस्सा कढ के उन्ने शब्दां दे विच ही संखेप शब्द भाव अपना उत्तर लिखना है। कोई भी चीज़ जदों सानू पाठक्रम विच लगदी है तां सानू उसदा कोई ना कोई लाभ जां लोड़ जरूर हुंदी है। इस दे लई संखेप रचना दी साडे लई की लोड़ ते की लाभ हन, पहला असी ये जरूर देखांगे। नंबर एक, किसी किताब दा रिव्यू करन दा सलीका आ जांदा है। वो किवें आएगा कि जदों असी किसी वड्डी रचना नू पढ़ांगे तां उहदे विचों कमियां खूबियां देखांगे, तां ये रिव्यू करन दा एक सानू ढंग आ जांदा है कि वड्डी रचना दा रिव्यू भाव आलोचना किवें करनी है। किसी रचना विचों मोटे ते जरूरी विचार कढ़न दी कला आ जांदी है। जिवें असी क्लास दे विच भी कोई जरूरी पॉइंट्स लिखदे हाँ, बिल्कुल उसे तरह ही संखेप रचना तो ही सानू यह सीखण दा हुनर आउंदा है। किसी रचना नू ध्यान नाल पढ़न दी समझण दी आदत पै जांदी है। बोली उपर पकड़ पकेरी होण लगदी है। किवें, जिवें असी संखेप रचना कर रहे हाँ तां उहदे विचों असी कुछ शब्द नोट करांगे, कुछ शब्द होर असी उहदे विच जमा करांगे। इस दे नाल साडी बोली जिहड़ी आ एक तां उहदे विच सुधार होवेगा ते दूसरा साडे शब्द साडा कोश जिहड़ा आ उहदा भी विस्थार होवेगा। विद्यार्थी दी सोचण शक्ति विच वाधा हुंदा है ते बुद्धि तिखण हुंदी है। ठीक है, जमात विच लैक्चर सुनदिआं उह इस कला दा लाभ उठाउंदे होए जरूरी ते महत्वपूर्ण नुक्तिआं नूं नोट करदे हन। ये नोट विषय नूं याद रखण विच मदद करदे हन। तुसी अक्सर क्लास दे विच जदों टीचर तुहानूं पढ़ाउंदा है, तुसी वी अपनियां कापियां उपर कई जरूरी पॉइंट नोट कर लेंदे हो ते फिर उन्हां नोट्स नूं ही पढ़दे हो जदों तुहाडे इम्तिहान हुंदे हन। सो ये भी एक संखेप रचना दा हिस्सा ही है जो शायद तुहानूं उस वक्त नहीं पता हुंदा। ठीक है, हाँ जी बच्चे, हुण असी देखदे हाँ कि एक चंगी संखेप रचना दा ढंग की हुंदा है और किस तरह दे नाल तुसी एक चंगी संखेप रचना करके इहदे विच्चों पूरे नंबर लै सकदे हो। संखेप रचना थोड़े शब्दां विच होवे, अर्थात बहुते शब्दां नूं थोड़े विच लिखिया गया होवे। असी छोटे हुंदे छोटियां क्लासां दे विच ये टॉपिक करदे हाँ बहुते शब्दां दी थां थोड़े शब्द। ये सानू इसे लिए करवाए जाते हैं ताकि असी वड्डियां क्लासां दे विच जा के किसी वड्डे पैरे नू छोटे विच लिख सकीए जां उहदा संखेप कर सकीए। सो इहदा पहली शर्त की है कि असी बहुते शब्दां नू थोड़े शब्दां दे विच लिखना है। दूसरा, बेलोड़े विस्तार दी थां जरूरी गल कुछ शब्दां विच कहना, भाव कि जेकर कोई पैरे दे विच बहुत ज़्यादा विस्तार दिता होया है तो तुसी कोशिश करनी है कि उस गल नू अपने कुछ एक शब्दां विच कह दिओ। तीसरी गल, शब्द सरल अते स्पष्ट वरते जाण, भाव कि तुसी कोशिश नहीं करनी कि बहुत औखे औखे शब्द वरतो, सगों तुसी कोशिश करनी है कि छोटे साधारण अते सौखे शब्दां नू वरतो जो कि
समझ आ सकन। कोशिश करो कि अपने शब्दों विच इस नूं लिखिया जावे, क्योंकि कई बच्चे इस तरह करते हैं कि लाइनां नूं ही चक के संखेप रचना का हिस्सा बना देंदे हन, तां इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। तुसी कोशिश करनी है कि हर एक लाइन नूं जिहड़ी भी तुसी लिख रहे हो उहनूं अपने शब्दों के विच लिखो, ठीक है। सिरलेख ढुकवां होवे, ए तीन तो चार शब्दों के विच ही होना चाहिदा है। हुण जदों बच्चे संखेप रचना असी करदे आ तां इहदे विच आपां इक सिरलेख भी देना हुंदा है। सिरलेख भाव जिहड़ा पैरा आया होया है उहनूं तुसीं चंगी तरह पढ़ना है, ठीक है। जिस गल दे दुआले पूरा पैरा घूम रहा है, ठीक है, वह असी इहदा सिरलेख भाव के हैडिंग दे देना है, उस पैरे नूं नाम दे देना है। और ये नाम देना, हैडिंग देना, सिरलेख देना बहुत जरूरी हुंदा है। सो ये तीन तो चार शब्दों के विच ही होना चाहिदा है, सिरलेख तुहाडा वड्डा नहीं होना चाहिदा। जरूरी गल, अपने कोलों कोई विचार ना दिओ, किसी भी रचना के खिलाफ ना लिखो, टिप्पणी ना करो। अगर किसी लेखक ने जां किसी ने भी कुछ लिखिया होया है तां तुसी अपने तो उन्हां दे खिलाफ शब्द नहीं लिखने, ना ही कोई टीका टिप्पणी करनी है। संखेप रचना नूं करन दा एक होर बहुत ही सौखा अते सरल तरीका यह भी हुंदा है कि जिहड़ा पैरा तुहानू पेपर विच आया होया है उसका एक एक शब्द गिनो। गिनन तो बाद उसनू तीन दे नाल भाग करो, भाग भाव डिवाइड करो। डिवाइड करन तो बाद जिन्ना जवाब आउंदा है उहदे विच ही तुहाडा संखेप रचना का जवाब उत्तर होना चाहिदा है। मान लो तुहाडे पैरे दे कुल शब्द 180 बने, तां तीन नाल भाग करन तो बाद ये 60 बनणगे। तो इस तो भाव है कि तुसी 60 दे विच ही अपनी संखेप रचना का उत्तर लिखना है। दो शब्द अगे पिछे हो जाण तां कोई गल नहीं। आपां कुछ उदाहरण देखते हाँ कि किवें आपां संखेप रचना करनी है, भाव के किसी लाइन नूं किवें असी छोटा करके लिखना हुंदा है। पहली उदाहरण देखो, सुनीता बहुत दुखी सी क्योंकि वह छोटी उम्र विच ही विधवा हो गई सी। हुण असी इस लाइन नूं किवें छोटा लिखांगे, सुनीता बाल विधवा होण करके दुखी सी, ठीक है। असी एक वड्डी लाइन नूं छोटा संखेप लिखिया। दूसरी, जो इंसान जिंदगी विच काम तो जी चुराउंदे हन वह कदे भी सफल नहीं हो सकते। हुण देखो इत्थे काम तो जी चुराउण वालिआं नूं आपां छोटे शब्दां विच की कहांगे, काम चोर। सो असी उत्तर दे विच किवें लिखांगे, काम चोर इंसान हमेशा असफल रहिंदे हन। हुण देखो दोनों सत्रां दे जवाब इक्को ही हन, अर्थ इक्को ही हन, पर दूसरे विच असी छोटा लिख लिया। हुण देखो बच्चे, मान लो तुहानू पेपर विच एक पैरा आया होया है और तुसी इनू करना है, क्योंकि करना भी चाहिदा है। ये एक एहो जिहा प्रश्न हुंदा है जिहदे तुहानू बिल्कुल फ्री दे नंबर मिलदे ने, क्योंकि तुसी अपने आप तो बहुत घट लिखना है पर नंबर इहदे वधिया आ जांदे ने जेकर तुसी सही कीता होवे, ठीक है। सो मान लो तुहानू पैरा आया होया है, ए किन्नी अनोखी नियामत हन पुस्तकां, जदों दुखां मुसीबतां दे काले बदल साडे जीवन नूं हनेरी बुक्कल विच लपेट लेंदे हन, जदों संगी साथी ते मित्र संबंधी साथ छड्ड जांदे हन, तां इह पुस्तकां अपने मिठे ते सियाणे बोलां नाल साडा हौसला वधाउंदियां हन, सानूं ढारस बणाउंदियां हन अते ज्ञान विच वाधा करदियां हन। इह सानूं दृढ़ता नाल जीण दी जाच दसदियां हन। मनुखां दी हजारां वरियां दी सियाणप ते तजर्बियां दा निचोड इन्हां विच बंद हुंदा है। इन्हां दे बूहे हर वड्डे छोटे उच्चे नीवें अमीर गरीब लई खुल्ले हन। इह सानूं इक अजिही दौलत नाल माला माल करदियां हन जिस नूं चोर नहीं चुरा सकदा, पाणी रोड़ नहीं सकदा, अग साड़ नहीं सकदी। खुशकिस्मत हन उह इंसान जिन्हां नूं उत्तम पुस्तकां पढ़न ते मानण दा अमुक शौक है। इस तरह नाल तुहानू पेपर विच मान लो ये पैरा आया होया है तां तुसी इनू करना किस तरह है। तुसी पहला इस पैरे दे दो तीन अक्षर लिखो, फिर
ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਚੱਕ ਲਵੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਵੋਗੇ। ਸਿਰਲੇਖ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਲਿਖੋਗੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 180। ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਬਦ 60, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ 2-4 ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ।